बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि पूरा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पुलिस जवानों को भगाने के लिए, क्योंकि किसान नोएडा मोड़ पर जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ करके दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर भारी तादाद में किसानों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर किसान घुसने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले ये देखिए किसानों की तरफ से भी फेंके गए, उधर पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। ये पूरा किसानों को तितर बितर करने के लिए भारी तादाद में यहाँ किसान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के पैदल यहाँ किसान पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं किसान ट्रैक्टर के साथ, बैरिकेड की तरफ घुसे कुछ किसान। और देखिए आप सकते हैं किस ढंग से वो किसान ट्रैक्टर लेकर के आगे पीछे ट्रैक्टर को कर रहे हैं। पूरी कई ऐसे ही किसान जो हैं नोएडा मोड़ की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ टकराव होने के पूरे आसार बने हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पुलिस की तरफ से और भारी तादाद में किसान आप देख सकते हैं कि NH-24 नोएडा मोड़ के उस मौजूद हैं इस वक्त और दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि लाठी चार्ज किया गया पुलिस की तरफ से, पूरा लाठी चार्ज किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, खदेड़ा जा रहा है किसानों को खदेड़ा जा रहा है क्योंकि किसान जो है बैरिकेड तोड़ करके दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर किसानों को खदेड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़ गए क्योंकि यहाँ पर भारी तादाद में किसान इकट्ठे हो गए थे और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और किसान जो है सड़कों पर है इस वक्त और नारेबाजी कर, आप देख सकते हैं तलवारें निकाल ली गई हैं किसानों की तरफ से, तलवारें निकाली गई हैं और देख सकते हैं आप तलवारें निकाली गई हैं किसानों की तरफ से, पुलिस को भगाया जा रहा है दोनों तरफ से लाठी चार्ज, किसान भी अटैक कर रहा है, किसान की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है, तलवारें निकाल कर लाठी निकाल करके पुलिस को मारने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ जवाबी कार्रवाई, किसानों की जवाबी कार्रवाई, आप देख सकते हैं कि आप ऊपर से पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तलवारें निकाल करके आप देख सकते हैं सामने मेरे कैमरामैन अश्विनी एलन आपको दिखाएंगे पुलिस से टकराव सामने दिखाई दे रहा है साफ तौर से, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस जवाबी कार्रवाई कर रही है आंसू गैस के गोलों के द्वारा। सामने टकराव की स्थिति बनी हुई है, नोएडा मोड़ NH-24 पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप सब देख सकते हैं कि ये उठा करके अब देख सकते हैं कि मेरी तरफ भी एक गोला फेंकने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान जो है सड़कों पे है, मेरे पुलिस और किसानों का टकराव, किस ढंग से हाथों में तलवारें और डंडे लेकर के पुलिस वो के साथ आमना सामना हुआ है किसानों का। अब देख सकते हैं कि किस ढंग से टकराव की स्थिति बनी हुई है, अभी भी किसान जो है पुलिस को टारगेट कर रहा है और पुलिस उनको जवाबी कार्रवाई कर रही है। देख सकते हैं कि सामने बहस हो रही है।